गाइस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू और थ्री इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट इज फ्यूर प्लस अकुजाते. व्हाट इज फ्यूर गाइस? फ्यूर आपकी एक प्रेपोजिशन है. मैंने आपसे पहले बोला था कि फ्यूर जब भी प्रेपोजिशन आपकी लगेगी आपको ऑलवेज क्या लगाना है? अकुजाते आप यूज करोगे. गाइस फ्यूर का मतलब जो होता है वो होता है फॉर. क्या होता है फ्यूर का मतलब? इसका मतलब फॉर होता है. ओके, अगर आप लाइक इफ यू आर यूजिंग फ्यूर यू विल ऑलवेज यूज अकुजेटिव. ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग हम समझते हैं. द प्रेपोजिशन फ्यूर इन जर्मन मीन्स फॉर. इन इंग्लिश इट इज ऑलवेज फॉलो बाय द अकुजेटिव केस. गाइस कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज अकुजेटिव केस? गाइस या गाइस जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है आपका, अगर मैस्कुलीन है, आपका अगर मैस्कुलीन है तो आर्टिकल क्या रहेगा उसका? बी ई एन. ओके, अगर गाइस आर्टिकल इज फेमिनिन, सो गाइस आर्टिकल विल बी डी. ओके गाइस इफ नाउन इज प्लूरल देन आर्टिकल विल बी डी. ओके एंड गाइज इफ द नाउन इज नॉइट्रूम आर्टिकल विल बी गाइज. एवरी वन इज इट क्लियर गाइज? इफ आई टॉक अबाउट लाइक अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, सो एनी वन प्लीज टेल अनबेस्टिम्ड आर्टिकल फॉर मैस्कुलिन? आइनन. वेरी गुड. फॉर नॉइट्रूम? ओके सो गाइस फॉर नॉइट्रूम दैट इज दास. ओ सॉरी, फॉर नॉइट्रूम दैट इज आई, फॉर फेमिनिन दैट इज आइना, एंड फॉर प्लूरल यू विल यूज नथिंग. ओके सो गाइस आपको अकुजेटिव मैंने रिवाइज करा दिया है. फ्यूर टू इंडिकेट पर्पस फेवर एंड सपोर्ट और इंटेंशन. इट ऑलवेज रिक्वायर द अकुजेटिव फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन एंड नाउन. एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? ओके सो गाइस अभी हम देखेंगे टेबल इसमें क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा गाइस हमने पर्सनल प्रोनाउन पहले हमने सीखे थे जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, इश डू एर एस जी. ओके आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन इन अकुजेटिव. ओके, अगर हमारा जर्मन में इश होता है नोमिनेटिव के लिए, अकुजेटिव में क्या होगा? मिश. एंड व्हाट इट विल बी द मीनिंग? मी. ओके अगर गाइस हम इंग्लिश में देखते हैं व्हाट विल बी द मीनिंग? मी. नेक्स्ट इज डू. डू विल चेंज इन टू डिश. ओके एंड दैट इज यू इनफॉर्मल. इज देयर एनी डाउट एनीवन? ओके नेक्स्ट वर्ड इज गाइस एयर. नेक्स्ट वर्ड इज एयर. एयर विल चेंज इन टू इन. ओके हिम. ओके नेक्स्ट इज गाइस जी. दैट इज जी द मीनिंग इज हर. ओके नेक्स्ट इज गाइस एस. नेक्स्ट इज एस. ओके एस इज गाइस एस इज एस एंड द मीनिंग इज इट. मीनिंग इज इट. ओके नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट गाइस वी आर इट विल चेंज इन टू अकुजेटिव ओन्स एंड गाइस मीनिंग इज अस. ओके नेक्स्ट इज गाइस ईयर. ईयर ईयर मीनिंग ईयर इन अकुजेटिव ऑइश. ईयर इन अकुजेटिव ऑइश. ओके और इसका क्या होता है? यू होता है मोर देन वन, प्लूरल. ओके मोर देन वन. एंड गाइस लास्ट वन जी. मैंने अभी आपको बताया था जी जो होता है वो दे होता है. क्या होता है इंग्लिश वाला? ओके और आपका अकुजेटिव भी क्या रहेगा इसका? जी रहेगा. ओके एंड इन इंग्लिश इट विल बी देम. ओके एंड गाइस लास्ट वाला जी मैंने आपको यू बताया था, इसका मीनिंग ये कैपिटल में स्मॉल में इट विल बी इन कैपिटल लेटर. ओके सो जी इक्वल टू जी एंड दैट इज यू. गाइस इज देयर एनी डाउट एनीवन? सो प्लीज लेट मी नो अगर किसी का भी कोई डाउट है तो.
गाइस प्लीज आस्क. ओके नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नाउ वी विल सी द एग्जांपल. ओके साहिल, जो आपने मेरे से डाउट पूछा था इसमें थोड़ा सा आपका डाउट कवर हो सकता है आज की क्लास में, ठीक है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गाइस इश काउफा दास डिश एंड फ्यू डिश. अच्छा गाइस, मैं हमने अभी पढ़ा था जो फ्यू प्रेपोजिशन होती है वो किसके लिए हम यूज करते हैं. फ्यू प्रेपोजिशन गाइस वो हम यूज करते हैं एक्यूजेटिव. अगर मैं बोलता हूँ डू, ठीक है, डू अगर हम फ्यू लगाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिश में. आई एम बाइंग द गिफ्ट फॉर यू, इज इट क्लियर और नॉट, लेट मी नो. ओके नेक्स्ट पॉइंट गाइस, वियर माखन आलेस प्योर जी. वियर माखन आलेस प्योर जी. वी डू एवरीथिंग फॉर हर. वी डू एवरीथिंग फॉर हर. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज करण, बढ़िया आप रीड करिए करण. देयर ब्रीफ इज प्योर इन. गाइस इन मतलब क्या होता है, हिम होता है. द लेटर इज फॉर हिम. यहाँ पर हमने फ्यूर यूज करा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर अकोजेटिव. गाइस इज इट क्लियर और नॉट. ओके नेक्स्ट इज गाइस, दास इज द प्योर ऊन से जेहर विस्टिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके एवरीवन इज इट क्लियर. नेक्स्ट इज गाइस, कांतु दास प्योर मिश एल लेडिगन. प्योर मिश. ओके फॉर मी, फॉर मी, कैन यू टेक केयर ऑफ दैट फॉर मी. इज इट क्लियर गाइस. ओके नेक्स्ट इज गाइस, सिक्स्थ एग्जांपल, इशाबा आईना यूबर राशुम. यूबर राशुम प्योर ऑयश. आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. गाइस इज इट क्लियर और नॉट. अगर आपका कोई भी डाउट होता है गाइस, यू विल आस्क, देयर विल बी नो इशू. बडी वर्ब गाइस हमने क्या सीखा था, वर्ब कौन से प्लेस पर आती है. अच्छा गाइस कौन से प्लेस पर है, अच्छा यहां पर कौन से प्लेस पर है, सेकंड, फर्स्ट इज हियर, सेकंड इज हियर. इस साहिल क्लियर है आपको. ओके कांस टू. अच्छा जब हम या नाइन वाला फ्रागा क्वेश्चन पूछते हैं तो सेंटेंस हमारे किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से. वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, कांस टू दास प्योरमिश एल लेडीगर. ओके और इशहाबा यहाँ पे कौन से प्लेस पर वर्ब लग रही है, सेकंड प्लेस पर. इशहाबा आईना यूबर आशुम फ्यूर ऑइश. इज इट क्लियर और नॉट गाइस, लेट मी नो. ओके या साहिल आपको डाउट आ रहा है मुझे, क्यों लग रहा है. ओके या नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगर आ रहा है तो पूछिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. ओके या सो गाइस ये दीजिस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसे हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ. दीजिस मतलब दिस बुक. ओके दीजिस बुक मतलब दिस बुक इज प्योर जी. ओके अब यहाँ पे लिख रहा है पीएल, पीएल मतलब प्लूरल. ओके दिस बुक इज फॉर देम. इज इट क्लियर एवरीवन. ओके नेक्स्ट गाइस, इस एग्जाम्पल को अभी आप रहने दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, वीयर काउफन आइन गिशेन फ्यूर उंजरा एल्टन. या वी आर बाइंग अ गिफ्ट फॉर अवर पेरेंट्स. ओके सो गाइस, फ्यूर उंजरा एल्टन यहाँ पर हमारा क्या लगा है, अकुजाटिव लगा है. आइन गिशेंग, गिशेंग भी नहीं क्या होता है, गिफ्ट आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में. यस ओके दिस लीड इज प्योर जी. ओके दिस सॉन्ग इज फॉर यू. अच्छा आप मुझे बता सकते हो जी यहाँ पे कैपिटल में क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब इसका. वेरी गुड गाइस, जब भी हम फॉर्मल की बात करेंगे ऑलवेज जी हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में. अच्छा गाइस आप एक चीज नोटिस करिए, अभी मैंने बोला था अगर कैपिटल लिखना है तो अकुजेटिव का भी कैपिटल लिखना है. यस ये कैपिटल अकुजेटिव में कैपिटल, अगर हमारा दे की बात हो रही है स्मॉल में, स्मॉल में. ओके अगर स्मॉल में एंड स्मॉल में. गाइस क्लियर एवरीवन. ओके इज देयर एनी डाउट एनीवन, सो प्लीज लेट मी नो.
ओके सो